देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर 71वां और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है। वहीं विपक्षी नेताओं का दल किसानों से मिलने आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। दिल्ली से कौशाम्बी की तरफ आने वाली सड़क पर गाजीपुर बॉर्डर के पॉइंट पर दिल्ली पुलिस द्वारा दो दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को भी सुबह दिल्ली पुलिस ने हटवा दिया है। दरअसल किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, मगर तारबंदी और बैरिकेटिंग के साथ लगी नुकीले कीलों से वो दिल्ली सीमा से यूपी गेट तक नहीं पहुंच सके। इस दौरान दिल्ली पुलिस की लगातार छवि बिगड़ने से आला अधिकारियों ने नुकीली कीलों को हटवाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनी मोझी, एसएडी सांसद हरसिमरत कौर बादल और टीएमसी सांसद सौगत राय समेत कई नेता शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा है कि हम 8-10 पार्टियां किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर जा रही हैं, जहां पर 13 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। हमें संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि सबसे अहम मुद्दा है। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए किस कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है, बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि हम किसानों से मिलने जा रहे हैं, हम सभी किसानों का समर्थन करते हैं, हम सरकार से किसानों के साथ बातचीत करने का अनुरोध करते हैं।